सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्वागत है आपके हमारे एक और नए वीडियो में। और आज के में हम आपको देने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 का लेसन नंबर 1 हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, जो कि साइंस 2 का फर्स्ट लेसन है। तो चलिए उसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम। तो क्वेश्चन जो है वो है एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो इसमें हमें 4 आंसर्स लिखने थे, तो उसमें से जो 2 आंसर है वो आपको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किए हैं, लेकिन जो बाकी 2 बॉक्सेस के अंदर जो आंसर है वो हमने देख सकते हैं यहाँ पर बॉक्सेस में आपको दे दिया है। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई सेम इन योर ओन वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल्स। ह्यूमन एवोल्यूशन बिगेन अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ ईयर्स एगो। और इसका जो आंसर है वो हमने आपको 3 पॉइंट्स में दिए हैं, लेकिन अगर आपको पॉइंट्स में आंसर नहीं लिखना है तो आप पॉइंट्स को कट कर रिमूव करके भी आप इसे सिंपली कंटिन्यूली भी अपने नोटबुक या फिर अपने वर्क्स में यूज़ कर सकते हैं। अभी हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो कि जोग्राफिकल एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली लीड्स टू स्पेसिएशंस। और इसका भी आंसर हमने आपको 4 पॉइंट्स में प्रोवाइड किया हुआ है। यह आंसर जो है हमने डाइजेस्ट से आपको प्रोवाइड किया है, तो ये 100% राइट आंसर से आप इसे सिंपली यूज़ कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये आंसर मींस नहीं दिख रहे हो, तो आप टॉप 3 साइड पर 3 डॉट्स पे क्लिक कर अपने क्वालिटी को 720p या 480p पे आप वो वीडियो को डालकर आप इस वीडियो को देखें, तो जो आंसर है वो आपको क्लियर दिख रहेगा। अभी हम बढ़ते सी की ओर, स्टडी ऑफ फॉसिल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ एवोल्यूशन। और इसका भी आंसर हमने आपको दे दिया है। तो चले आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो है देयर इज एविडेंसेस ऑफ फेटल साइंस अमंग कॉर्डेट्स। उसका आंसर देख सकते हैं यहाँ पर 4 पॉइंट्स में हमने दिया है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि इसमें जो 4 पॉइंट है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको इसको लिखना हो तो लिख सकते हैं, वरना आप इसे हटा कर भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, कंप्लीट द स्टेटमेंट बाय चूजिंग करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ब्रैकेट। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है वो हमने आपको यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि ब्रैकेट और जो क्वेश्चन है वो आपके टेक्स्ट बुक में ऑलरेडी रहेगा, लेकिन जो मेन आंसर है वो देख सकते हैं नीचे हमने आपको रेड कलर में प्रोवाइड किया हुआ है। और ये जो आंसर है वो हमने आपको एक साथ ही दिए है, तो जो क्वेश्चन नंबर ए है तो ए के जो बाजू में जो हमने नीचे आंसर दिए वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में लिख देना होगा। तो इसे करते करते सारे फिल इन द ब्लैंक्स के जो आंसर है वो हमने आपको नीचे दे दिए है, तो मुझे यकीन है आपको समझ रहा होगा। तो चले हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो है यहाँ पर राइट शॉर्ट नोट बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन यू नो। सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके टेक्स्ट बुक में रहेगा क्वेश्चन, जो ये आंसर है वो हमने आपको देख सकते हैं यहाँ पर दिया है। और ये जो आंसर है वो गाइस हमने आपको बहुत बड़ा था, तो इसके लिए हमने आपको ऐसे स्क्रॉलिंग इफेक्ट डालकर आपको दिया है आंसर। तो आपको जो भी पॉइंट्स लिखना हो उस समय पर आप उस समय पॉज करें वीडियो को, और वीडियो को पॉज करके आप सिंपली इस सब आंसर्स को लिख सकते हैं। हमने सभी आंसर्स के लिए अच्छे समय दिया है, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा हो तो आप टॉप 3 साइड पर क्लिक करके वहाँ पर प्लेबैक स्पीड आता है, उस प्लेबैक स्पीड को कम करके भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको डिस्टरबेंस नहीं चाहिए हो तो आप अपने मोबाइल के वॉल्यूम को भी पूरा डाउन करके आप वीडियो को देख सकते हैं। आपको जैसी मर्जी आप वैसे हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया यहाँ पर एम्ब्रियोलॉजी। अभी हम बढ़ते हैं 2 की ओर, जो है यहाँ पर एवोल्यूशन। और एवोल्यूशन के जो आंसर है देख सकते हैं यहाँ पर, हमने आपको फिर एक बार स्क्रॉलिंग इफेक्ट के द्वारा दिया हुआ है, जिसमें जो आंसर है वो ऊपर ऊपर ऐसे इफेक्ट से जाता रहेगा, और आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं उस पॉइंट को पॉज करके आप लिख सकते हैं। मुझे यकीन है कि आपको समझ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो गाइस, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बस यहाँ तक कि मैं बोलकर रुकना चाहता हूँ। अब वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखें, सारे हमने आंसर यहाँ पर कवर किए हैं, और भी जो आंसर है वो हमने मास्टर की डाइजेस्ट से आपको दिए हुए हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर करिएगा, अगर आपकी इच्छा हो तो। और गाइस, अगर आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हो तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे हम आपके स्टैंडर्ड के वीडियोस रोज़ाना लाते रहते हैं, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते जाएगा अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चलिए, मिलता हूँ वीडियो के अंत में।
क्वेश्चन नंबर एफ, राइट एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न मैन। सो गाइस यहाँ पर देख सकते कि आई बटन आपके सामने आ रहा रहेगा। उस आई बटन में मैंने आपको पूछा है कि क्या आप यह यकीन करते हैं कि इंसान मंकी से बना है। अगर आप करते हैं तो उस आई बटन पर क्लिक जरूर करिएगा और अपने वोट को दीजिएगा, तो ताकि हम देख सकें कि कितने लोग विश्वास करते हैं और कितने लोग नहीं करते हैं। तो गाइस ये रहा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन का आंसर। और गाइस जो आंसर है वो थोड़े से बड़े हो सकते हैं, लेकिन गाइस मैं भी क्या करूँ, जो डाइजेस्ट में था आंसर मैंने आपको वही आंसर दिया है, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हुआ है। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।